महाशिवरात्रि के पूर्व मणिकर्णिका तीर्थ पर की गई सफाई। महाशिवरात्रि पर गंगा किनारे कपड़े न विसर्जित करने की गई अपील। सब तुझसे लेते आए हैं और पर अब तेरी पीड़ा हरनी है, तुझे सच बनाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको, का संदेश देकर नमामि गंगे ने महाशिवरात्रि के पूर्व मणिकर्णिका घाट के गंगा तट की सफाई की। गंगा तलहटी से ढेरों कपड़े निकाले, गंगा तट पर इधर उधर बिखरे पड़े कूड़े कचरे को समेट कर कूड़ेदान तक पहुंचाया। माँ गंगा की आरती उतारी गई। गंगा सेवा नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मणिकर्णिका अभिमुक्त क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं से गंगा किनारे कपड़े न विसर्जित करने की अपील की। राजेश शुक्ला ने कहा कि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गंदा कपड़ा छोड़कर जाने पर माँ गंगा प्रदूषित होती है। अब गंगा को स्वच्छ कर गंगा की पीड़ा हरने की बारी है हमारी। हमें जन भागीदारी द्वारा गंगा की पीड़ा को हरना होगा। श्रमदान कार्य में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, जटाशंकर द्विवेदी, शीतला प्रसाद पांडे, संतोष द्विवेदी, कल्लू माझी व श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज हमने यहाँ मणिकर्णिका अभिमुक्त क्षेत्र जो कि गंगा से भी पूर्व का तीर्थ है, वहाँ ऐसी अनेकों गंदगियाँ निकाली हैं जिसमें कपड़े हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं और अन्य सामग्रियाँ हैं। हमारा यह प्रयास यही है, उद्देश्य यही है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ हजारों लोग आते हैं और अपने कपड़ों का विसर्जन यहाँ गंगा के तट पर छोड़कर चले जाते हैं, कर देते हैं और गंगा प्रदूषित होती है। हजारों की संख्या में नागरिक आते हैं, अंडरवियर, बनियान, जांगिया, शर्ट, पैंट सब छोड़कर यहीं गंगा किनारे चले जाते हैं और यह पूरा क्षेत्र कपड़ों से भर जाता है। हम यह निवेदन करते हैं, अपील करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गंगा किनारे इस मणिकर्णिका क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर आप कपड़ों का विसर्जन ना करें। ये गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, गंगा ने हमको बहुत कुछ दिया है, अब उसकी पीड़ा हम सभी को मिलकर हरनी है। गंगा की मार्मिक अपील को समझें, गंगा में कपड़ों का विसर्जन ना करें, पॉलिथिन बोतलों का प्रवाह ना हो, अन्य गंगा को प्रदूषित करने वाली सामग्रियों का विसर्जन हम ना करें, यह हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। और आइए महाशिवरात्रि के पर्व पर अपनी गंगा मैया के संरक्षण का, माँ गंगा की स्वच्छता का संकल्प लें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी से खुशरंग हिना की रिपोर्ट।